और अब वॉर जोन से बड़ी खबर, जहां बेलारूस में वाग्नर्स की मौजूदगी ने कई आशंकाओं को जन्म दे दिया है। एक तरफ यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर को लेकर सचेत है, दूसरी तरफ बेलारूस से पूर्वी यूरोप में बढ़ते खतरों को देखकर अब नेटो ने रणनीति भी कर ली है तैयार। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर पर मौजूद यूरोपीय देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है कि वाग्नर्स बेलारूस की सीमा से यूरोप के कुछ इलाकों पर कब्जे की कर रहे हैं कोशिश। अब नेटो ने यूक्रेन को बेलारूस की तरफ तैनाती बढ़ाने के साथ ही बेलारूस के पड़ोसी देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके तहत ताकतवर देशों को छोटे देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। यूक्रेन और रूस की सीमाओं तक सिमटा युद्ध कभी भी दुनिया के कई और इलाकों को झुलसा सकता है। तैयारी शुरू हो चुकी है, तैनाती शुरू हो चुकी है और तैयार हो चुका है एक महायुद्ध का ब्लूप्रिंट, जिसमें सैनिक, हथियार, रणनीति और दुश्मन को मात देने की पूरी प्लानिंग है। विध्वंस की इस योजना में कई देशों के नाम हैं। 4000 से अधिक पन्नों में सिमटा ये एक्शन प्लान सच हुआ तो समझ लीजिए तबाही और बर्बादी का एक नया इतिहास बन जाएगा। शुरुआत यूक्रेन से करते हैं। फिलहाल फायरिंग ज़ेपोरिज़िया में हो रही है, लेकिन यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता अब बेलारूस बॉर्डर है। गोलाबारी खेरसोन और सुमी में हो रही है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक बेलारूस की तरफ बढ़ रहे हैं। डोनेस्क में भीषण जंग के बीच यूक्रेन की प्राथमिकता और रणनीति बदलने की कई वजह है। बेलारूस बॉर्डर पर बढ़ रहे तनाव और हलचल के बीच अब यूक्रेन और बेलारूस के सैनिक कभी भी भिड़ सकते हैं। शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को यूक्रेन का एक ड्रोन कुछ इसी तरह बेलारूस बॉर्डर के पास पहुंचा। मकसद हमला नहीं बल्कि चप्पे चप्पे की तस्वीर कैद करना था, लेकिन बेलारूस की सेना मुस्तैद थी। जैसे ही ड्रोन ने बेलारूस की सीमा को पार किया, ड्रोन गिराने का एक्शन शुरू हो गया। बेलारूस की सेना ने ड्रोन को गिरा दिया। ड्रोन बेलारूस के गोमेल इलाके में घुसा था। ड्रोन नीपर नदी के ऊपर से बेलारूस में दाखिल हुआ था। ड्रोन को ब्रागिंस्की जिले में गिरा दिया गया। आखिर यूक्रेन को बेलारूस बॉर्डर के सर्विलांस की जरूरत क्यों पड़ी? डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया जैसे इलाकों पर फोकस न करके यूक्रेन की सेना ने बेलारूस की ओर सतर्कता दिखाई है तो इसकी कई वजह है। हथियारों का जखीरा बेलारूस में क्यों उतरा? रिपोर्ट के मुताबिक अचानक रूस से हथियारों को बेलारूस भेजा जा रहा है। बड़े बड़े कार्गो विमान से क्या भेजा जा रहा है इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन संदेह यही है कि ऐसे विमान हथियार लेकर पहुंच रहे हैं। एक वजह और है। 100 गाड़ियों का काफिला रूस से बेलारूस क्यों चला? हजारों वैगनर लड़ाकों के बेलारूस में घुसने की जानकारी की पुष्टि हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 100 गाड़ियों का काफिला बेलारूस पहुंचा है। वैगनर फोर्स के झंडे वाली गाड़ियों से उतरे लड़ाके बेलारूस के शिविरों में पहुंचे। एक दिन 2 किलोमीटर शिफ्ट,
बेलारूस से अटैक फिक्स। कहा जा रहा है कि वैगनर लड़ाके हर दिन यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मूवमेंट ऐसी है जिसे नोट करना मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर फोर्स के कैंप्स हर दिन करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। वैगनर फोर्स और बेलारूस की सेना की मूवमेंट पर नेटो की भी नजर है। यही वजह है कि सबसे पहले टैंक और आर्टिलरी के साथ यूक्रेन की फोर्स बेलारूस बॉर्डर के करीब पहुंच गई। जरूरी नहीं कि बेलारूस से यूक्रेन पर ही हमला हो, खतरा बेलारूस के पड़ोसी लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड जैसे देशों पर भी है। पुतिन की रणनीति क्या है, इस पर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नेटो अलर्ट हो चुका है और बेलारूस से किसी भी तरह की गड़बड़ी होने का जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नेटो का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इसके तहत शक्तिशाली देशों को छोटे देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिथुआनिया पर हमला हुआ तो जर्मनी अपने सैनिक भेजेगा। कनाडा को लातविया की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटेन की सेना एस्टोनिया को सुरक्षा देने के लिए तैयार रहेगी और पोलैंड यानी यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार को सुरक्षा की गारंटी देगा खुद सुपर पावर अमेरिका। यानी एक छोटे से देश में भी धमाका हुआ तो बेलारूस की सेना हो या वैगनर फोर्स के लड़ाके, उनका सामना नेटो देशों की सेना से होगा। बेलारूस की सुरक्षा की गारंटी रूस ने दी है, यानी समझ लीजिए बेलारूस से एक ऐसे महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है जिससे नेटो बनाम रूस का 500 दिनों से ज्यादा से चल रहे युद्ध का थमे रहना नामुमकिन हो जाएगा। बेलारूस में जिस तरह से रूस ने इंतजाम किए हैं ठीक उसी तरह का ब्लूप्रिंट नेटो का भी है। शक्तिशाली देश छोटे देशों की सुरक्षा के लिए अपनी जीडीपी का 2% हिस्सा खर्च करेंगे। यूरोप में सैनिकों की तैनाती को 3 लाख तक बढ़ाया जाएगा। यूरोप में भारी हथियार, एयर डिफेंस, मिसाइलों का भंडार बढ़ाया जाएगा। 4,400 पन्नों में तैयार हुए ब्लूप्रिंट में इसके अलावा कई और चीजें हैं जिसे कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी योजना कहा जा रहा है। इतनी बड़ी प्लानिंग की वजह भी जान लीजिए। बेलारूस में रूस का SU-30 MiG-31K तैनात है। बेलारूस को पलटवार से बचाने के लिए रूस ने यहां एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को बहुत पहले ही तैनात कर दिया था। कहा जा रहा है कि बेलारूस की सेना इस बार युद्ध में शामिल होगी। बेलारूस की सेना रूस की सेना को जरूरी सामानों की आपूर्ति करती रहेगी। नेटो की प्लानिंग रूस के इन्हीं हथियारों और रूस, बेलारूस और वैगनर फोर्स से निपटने की है। कोल्ड वॉर के बाद बने वॉर प्लान में कई देश शामिल हैं। इसलिए आप इसे वर्ल्ड वॉर का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।